आर्थिक विकास महामंडळ की योजना इस राज्य के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने मराठा क्रांति मोर्चे के आंदोलन के बाद यहाँ पे शुरुआत की। मुख्यमंत्री साहब ने इस महामंडल को 400 करोड़ रुपया यहाँ पे सैंक्शन किया। आज महाराष्ट्र में 11,000 नौजवानों को इस महामंडल से लाभ मिला है। महाराष्ट्र में 550 कोटि का कर्ज यहाँ पे अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ने यहाँ पे दिया है। ये सब देत रस्ते में अभी नए से हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इनकी मुलाकात औरंगाबाद में हुई, सॉरी नागपुर में हुई। नागपुर में होने के बाद इस महामंडल की व्याप्ति उनको जब बताई गई तो उन्होंने बहुत इसका कौतुक भी किया और आगे जाके इस महामंडल और बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत देते समय इस महामंडल को और निधि उपलब्ध करून देने के भी उन्होंने आश्वासन यहाँ पे दिया। कुछ हम नए योजना इस महामंडल में लाने वाले हैं, जिसके अंदर इस महामंडल के जो नौजवान हैं उन्होंने जिसने कर्जा लिया है उस कर्जे के ऊपर वापस एक बार उसको टॉपअप लोन करके मिलेगा, जिसके वजह से वो वापस अपना बिजनेस प्रॉपर एस्टेब्लिश कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने इस महामंडल को पूर्ण ताकत देने का वादा इस नागपुर अधिवेशन में उन्होंने हमको किया। बजट कितना बढ़ सकता है? अभी सैंक्शन बजट हमारा 400 करोड़ है। लगता है कि आगे कुछ साल में हमारी महामंडल का जो कामकाज बढ़ते देखते हुए और एक 500 करोड़ का बजट हमको डेफिनेटली वो यहाँ पे सैंक्शन कर सकते। उद्या सकाळी म्हणजे 24 डिसेंबर 2019 रोजी सकाळी 11 वाजता JK जाधव साहित्य पुरस्काराचं वितरण होणार आहे। हे वितरण अशा प्रकारचा पुरस्कार आपण गेल्या 4 वर्षापासून देत आहोत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामधून त्यासाठी लेखक कवी भाग घेतात। यापूर्वी आपण 3 कार्यक्रम वैजापूरला घेतले, पण यावर्षी मुद्दाम आपण शहरामध्ये घेत आहोत, औरंगाबाद शहरामध्ये। आणि या कार्यक्रमासाठी कौतिकराव ठाले पाटील हे अध्यक्ष आहेत, प्राचार्य प्रभाकर बागले सर हे मोठे समीक्षक आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते कार्यक्रम होणार आहे। वासुदेव मुलाटे सरसुद्धा उपस्थित आहेत आणि ज्यांना आपण पारितोषिक देतो आहे ते पारितोषिक विजेते आहेत। रवी राजमाने हे सांगलीचे आहेत, गोविंद काळे सोलापूरचे आहेत, विलास सिंदगीकर लातूरचे आहेत, श्रीमती राजश्री पाटील कोल्हापूर, श्रीमती ज्योती सोनवणे औरंगाबाद, संतोष आळंदकर गंगापूर, बाळ भारस्कर पुणे, धुंडराम सिंह राजपूत वैजापूर, श्रीमती आशा डांगे औरंगाबाद। हे जे पुरस्कार विजेते आहेत यामध्ये कविता लिहिणारे म्हणजे कवी आहेत, लेखक आहेत, समीक्षक आहेत, काही ललित लेखक करणार आहेत, अशा प्रकारचे हे पुरस्कार आहेत। प्रत्येकाला आम्ही 5,000 रुपये शाल श्रीफळ अशा प्रकारे त्यांचा आम्ही सत्कार करतो। उद्या आपण कार्यक्रमाला यावं अशी सुद्धा आम्ही आमची आपल्याला विनंती आहे। धन्यवाद।